नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज लाइव राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर है राजधानी के जयपुर से। जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में आईसीयू में आग लगी, मचा हड़कंप। 25 बच्चों को किया दूसरे वार्ड में शिफ्ट। जयपुर में बच्चों के सबसे बड़े जेके लॉन अस्पताल में आज सुबह आईसीयू में लगे एसी में आग लग गई। आग के बाद वार्ड में धुआं ही धुआं भर गया। धुआं भरने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। आग से अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई। आग की सूचना पर मौके पर 5 दमकल पहुंची। दमकल की मदद से एसी में लगी आग पर काबू पाया। दमकल के साथ सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची और अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर आईसीयू में भर्ती बच्चों को बाहर निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। घटना के बाद से कई बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल जेके लॉन अस्पताल की टीम लगातार बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। एसी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम में महेंद्र व उसके साथियों ने बच्चों को आईसीयू से बाहर निकालने में महती भूमिका निभाई। बच्चों ने परिजनों ने इस टीम को धन्यवाद दिया। 25 बच्चे भर्ती थे आईसीयू में। जेके लॉन अस्पताल में आग लगने की घटना के दौरान करीब 20 से 25 बच्चे भर्ती थे। धुआं से दम घुटने से कुछ बच्चों की अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। इन बच्चों की विशेष निगरानी रखी जा रही है। दम घुटने से करीब आधा दर्जन बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद बच्चों के परिजनों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आग आईसीयू के वार्ड नंबर 4 में लगी थी। फिलहाल वहां से बच्चों को वार्ड नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया है। घटना की सूचना पर अस्पताल प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी दी। एसएमएस अस्पताल में भी कई बार लग चुकी है आग। एसएमएस अस्पताल में भी कई बार आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मेडिकल स्टोर में 2 बार आग लग चुकी है। वहीं एक बार आईसीयू में भी आग लग चुकी है। इससे कई मरीजों की जान सांसद में आग गई थी। आग की वजह हर बार शॉर्ट सर्किट ही सामने आया है। खास बात यह है कि मेडिकल स्टोर में आग लगने के पीछे घोटाले की भी बात सामने आ चुकी है।